कांग्रेस मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी का बयान, ट्वीट को लेकर दर्ज हुए मामले पर बोले कि हम विपक्ष में हैं और जनता की आवाज उठाना हमारा काम है, सरकार अपने काम की जवाबदारी ले और जनता को जवाब दे। बिजली के बिल, किसानों का कर्ज और बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। 2050 फॉर्मूले पर कहा कि इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन सरकार जो फेल हुई है उसके क्या मापदंड हैं? उनका कहना है कि सरकार पूरी तरीके से हर मुद्दे पर फेल है। राजस्थान सरकार के टले संकट पर कहा कि भाजपा के प्रपंच से सरकार बच गई है, ये लोकतंत्र की जीत है। आप देखो कि ये मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री बने हैं, पीछे के दरवाजे से लोकतंत्र की हत्या करके देश में सबसे बड़ा जो सवाल आज पैदा होता है, सिर्फ विज्ञापन हेडलाइन और जनसंपर्क के माध्यम से पैसा खर्च करना, बाकी विभागों के हालात अच्छे नहीं। कर्जा ले ले के लगातार चलने वाली ये सरकार, कर्जदार सरकार, किसानों का कर्जा खा गई। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मैं मानता हूँ कि प्रदेश की जनता देख रही है और 27 चुनाव में इनको इसका मुंह तोड़ जवाब दे। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है और वो हम लोग कर रहे हैं। सरकार ये बताएं कि 6 साल में भयावह स्थिति क्यों बन गई रोजगार को लेकर, सरकार ये बताएं कि देश की अर्थव्यवस्था माइनस ग्रोथ रेट में क्यों चली गई, सरकार ये बताएं कि कोविड को लेकर मोदी जी ने जो देश को एक संदेश दिया था 21 दिन में देश बचा लूंगा, वो आज करीब 25 लाख के आसपास संक्रमित हो गए और लगभग 50,000 के आसपास मोटे होने लगे, तो क्या कारण है कि देश इस विधा में चला गया? किसान का कर्ज क्यों खा गई मध्य प्रदेश की सरकार? ये उत्तर चाहिए या नहीं चाहिए? ये उत्तर चाहिए कि नहीं कि जो बिजली के बिल है, जो एक गरीब आदमी को आप संबल को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो संबल की योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार के लोगों के भी 3-3, 4-4, 5-5 हजार के बिल आने लगे, इसके लिए दोषी कौन है और इसका पाप किसके सर पर मरना चाहिए? ये वही सरकार है, वही शिवराज सिंह चौहान है, वही कानून व्यवस्था के नाम पर प्रदेश में जो हालात है, तो ये सब सवाल देश के सामने, प्रदेश के सामने है। हमारा दायित्व है, हम उठाएं। भारतीय जनता पार्टी का काम हो, करे, खुशी है, अच्छा है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का एक एक विधायक एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी के हर भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे अवैध खनन का हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का हो, एकजुटता से इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार से लड़ेगी। कार्यकर्ताओं को और खासकर तंत्र को एहसास होना चाहिए कि विपक्ष जो बात करता है, अगर वो जनता की आवाज के रूप में करता है, अगर इस तरह की ओछी और छोटी हरकतें ये करते रहेंगे तो जल्दी हम तो उनका स्वागत करेंगे। जल्दी जनता को समझ में आ रहा है कि ये लोग किस तरह के हैं। देश 6 साल में अर्थव्यवस्था मौत के गाल में चली गई और उसके बाद अगर सवाल करते हैं तो ये कहते हैं ये गलत है। ये टिप्पणी इंदिरा जी पे करते हैं इनके नेता, तब इनको कहा सम्मान अपमान राजद्रोह देशद्रोह नहीं दिखता है? वो भी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो सारे ऊपर से नीचे तक के नेताओं के हमने 15 लोगों की FIR कराई इंदौर में। हटाया उनको। इस तरह की बात करना, सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाना, जो बातें आपको करना चाहिए, किसानों का कर्जा खा गए ये लोग, जो कर्जा माफ करना था उसको खाने वाले अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर बिजली के कनेक्शन में बड़े हुए बिजली के बिल एक घर से किसी का जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की जेब में जा रहा है, उसके नियत में जा रहा है, उसकी सोच में जा रहा है। ये लोग जो वो आर्थिक रूप से परेशान करना, लोगों की व्यथा को आगे बढ़ाना और फिर उस पर काम नहीं करना, तो इस तरीके से ध्यान डाइवर्ट करना इनकी रणनीति का हिस्सा है और इसका हम विरोध करते रहेंगे।